हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आज फिर से कीर्तन भजन में नाचने गाने, जो जागरण में जो गाने बजते हैं उस टाइप के भजनों पे नाचने गाने और बहुत ही सुंदर मधुर ताल में एक लेके आ चुका हूँ, जो दोस्तों अगर आप बजाओगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और पहली बात, वो बहुत ज़्यादा आसान ताल है वो, और वो ताल लगभग कोई नहीं बजाता है, लेकिन जब मैंने बजा बजा के देखा तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था और लोगों को मज़ा भी आ रहा था इस ताल पे। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ वो ताल। और दोस्तों, ये ताल थोड़ा सा यूनिक है बाकी तालों से, है ना, और सिंपल भी है। और दूसरी चीज़, अब से मैं अपनी वीडियो के अंदर एक दोस्तों हमेशा ही एक यूनिक चीज़ लेके हमेशा लेके आया करूँगा, जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, या फिर सुना भी होगा तो बड़ा यूनिक होगा मेरे चैनल पर, उससे पहले कभी नहीं आया होगा वो चीज़, है ना। तो आज मैं उसी तरीके से मैं लेके भी आ गया हूँ, एक छोटा सा एक टुकड़ा है उस टुकड़े को, और एक पैटर्न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और वो टुकड़ा सुनिएगा कहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, मैं बता दूंगा आपको। और एक सीक्रेट भी बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी, अगर आप पूरा ढोलक आपने बजाना स्टार्ट किया है तो ढोलक बजाने का एक सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, वीडियो के अंत में, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक गुनगुना के गा के मैं समझा देता हूँ कि वो कैसे पैटर्न बजता है, वो टुकड़ा भी लगा लगा के बीच में बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो गाना नहीं गाएंगे, गाने से तो देखो दोस्तों कॉपीराइट आ जाता है, वीडियो ख़राब हो जाती है, तो मैं वही लेके चलता हूँ, राम सिया राम, है ना। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हो भीड़ पड़ी जब, दोस्तों मेरे को गाना वाना नहीं आता है तो मैं अपना कोशिश करता हूँ कोई आप लोग को मैं समझा पाऊँ। तो गाना मुझे, मैं पहली बता देता हूँ, मुझे नहीं आता, उस पर कोई गलती हो चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो गा के बताता हूँ मैं। हो भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भीड़ पड़ी जब आप लोगों ने देखा, ये मैंने ये वाला पैटर्न बजाया था आपको, देखिए। तो यही पैटर्न मैं समझाने वाला हूं, और एक टुकड़ा भी समझाता हूं, मैं बताता हूं अभी, देखिए कैसे बजा था। तो ऐसे बजा था, देखिए, मैं फिर से गा के थोड़ा सा बजा के सुना देता हूं कैसे बजा, वो ताल को भी बजा के बताता हूं, देखिए। हो भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, आप लोगों ने देखा कि कैसे बजाता। ये ताल ऐसा ताल है, मान लीजिए आप ये बजा रहे, खुद नोटिस कीजिएगा, देखिए सिंपल सा ताल है। अब इस ताल के अंदर वो वाला ताल जोड़ के बताता हूं, ये ताल ही भांगड़ा ताल है, ये ढोल पे बजाया जाता है, तो ढोल पे तो सब लोग नाचते हैं। ये ताल अगर आप बजाओगे तो एक अलग सा यूनिक सा एक आपको एक फील आएगा, और लोगों को भी समझ में आएगा कि अरे वाह क्या अच्छा ताल बजा रहे, लोग नाचने को मजबूर हो जाते हैं, इतना अच्छा ताल है। देखिए फिर से बजाता हूँ, अगर उसके साथ ये टुकड़ा लगाते हो तो और भी मजा आ जाता है, देखिए। दोस्तों, मैं आप लोग को
वही चीज लेके आके देता हूँ जो आपकी काम की हो और जो आसान है थोड़ा सा। ये बहुत सिंपल से ताले में समझा देने वाला हूँ। शुरुआत में देखने में तो लग रहा हो तो कितना कठिन ताल है और ये टुकड़ा भी आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन है। इसके अंदर केवल ता का यूज हुआ है, ता और ती का थोड़ा थोड़ा सा, इधर बेस का थोड़ा सा यूज हो। मैं अच्छे से समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना जी। तो ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से देखना है ना जी। तो पहला पैटर्न मैंने जो बताया था ये वाला, देखिए टुकड़ा में थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले पैटर्न सीख लेते हैं, ठीक है। बहुत यूनिक पैटर्न है, कहीं पे देखा होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से आप लोग को ये पैटर्न की वैल्यू बता रहा हूँ कि इस पैटर्न को कहाँ कहाँ लगाया जाता है और पैटर्न को अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे बजाए, और मेरा हाथ आपको देख के लग रहा होगा कितना कठिन है। आप चाहो तो ऐसे भी बजा सकते, अगर साउंड ज्यादा निकालना है तो थोड़ा ऊपर ऊपर लेना पड़ता है और थोड़ा देखने में भी हाथ अच्छा लगे तो उठाना चाहिए हाथ को। देखिए कैसे उठा रहा हूं, उठाने उठाने की सारी चीजें थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन पैटर्न को देखिए कैसे उठ रहा है हाथ। आप सोचते होंगे कि मैं जानबूझ के उठा रहा हूं, ये उठाना पड़ता है क्योंकि तेज आवाज तभी निकलेगी, तभी तो थोड़ा सा एक अलग फील आएगा। और बहुत लोग होंगे ताल सीख जाएंगे लेकिन मेरी तरह गा के नहीं बजा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी नहीं गा पा रहा था इस ताल को, इस कुछ दिन कुछ सालों पहले मैं भी नहीं बजा पाता था, गा पाता था, क्योंकि प्रैक्टिस थी ही नहीं। मैं केवल दूसरों के गाने पे बजाता था। खुद से करोगे तभी तो होगा, आपने नहीं किया तो ये मत समझना कि मेरे से नहीं आ रहा, मेरे को बजाना ही नहीं आता। देखिए मेरी सालों की प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं बजा पा रहा हूँ। आप भी कुछ महीने दो महीने करेंगे बहुत अच्छे से बजा पाएंगे आप, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ताल को समझा देता हूँ। और छोटा सा टुकड़ा है, इन दो के बल पे भी अगर आपको नॉर्मल बजाना आता है कुछ छोटा मोटा ताल, उसके साथ इसको जोड़ के देख लीजिएगा, वहां पे अलग फील आएगा बिल्कुल, ठीक है। बहुत सिंपल सा ताल है, बोल बता देता हूं। धाती ताती ताती धाती धाती ताती ताधी धाती धाती ताती ताधी धाती। अब दोस्तों देखो, इसके अंदर कोई और कोई टीचर होता, जैसे कोई दूसरा चैनल होता, तो लोग क्या बताते, धाती ताती ताती धाती ताती ताती धाती। कोई नहीं बताता कि घिस्सा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे ये पहली उंगली लग रही है, घुड़का कहाँ पे लग रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं घुड़का घिस्सा सब बताने वाला हूँ और इस ताल को खुले हाथ से भी बताने वाला हूँ, खुद एक हाथ से कैसे बजेगा। अब देखिए खुले हाथ से मैं बजा के बता देता हूँ। देखिए देखिए जो लोग ऐसे बजाने में नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं बज रहा है ऐसे 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 बेस, तो शुरुआत के लिए आप ऐसे बजा सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, खुले हाथ से भी बताऊंगा, बंद हाथ से भी बताऊंगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए कैसे बजाए, धाती ताती ताधी धाती। बोल भी चेंज हो गया है ना, बोल को मैंने बनाया है, लोग तो धाती ताती ताती धाती कहते हैं सिंपल से लिए, लेकिन धाती ताती ताधी धाती। अब इसी के अंदर घिस्सा भी बताऊंगा कहां पे घिस्सा लगना है और घुड़का भी बता दूंगा आपको, घुड़का कैसे लगाना है ना। अब ये देखिए बजा के बताता हूं, पहले बेस देखिए मैं बेस कैसे चला रहा हूं। अब देखिए बेस की तो वेरिएशन, बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन जो कीर्तन भजन में लाइव बजाया जाता है वो असली चीज में बताने वाला हूं। देखिए कैसे बजाए, ये भी लगा सकते, ये थाप है, इसको लगाओगे तो और थोड़ी सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ा फास्ट बजा रहे हो ना तो कभी भी थाप नहीं लगाना चाहिए, ये वाला देखिए। स्लो वाले पैटर्न में लगाइएगा तो और सुंदर लगेगा, ये भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको। पैटर्न के बोल क्या है, धाती ताती ताधी धाती, बहुत अच्छे से समझना है पैटर्न को। अगर बोल के हिसाब से समझ गए तो बजाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो बोल पहले समझना है, देखिए कैसे बजाए, धाती बहुत जरूरी है, ये ती और ये घुड़का जाके कैसे लगा। जिनको घुड़का बजाना आता है वो घुड़का बजाइए, नहीं तो केवल खुला मारिए पहले, धाती ताती ताधी धाती धाती ताती ताधी धाती, दोगुन की तरह हो जाएगा। लेकिन जिनको घुड़का बजाना आता है वो घुड़का जरूर बजाइएगा, थोड़ा सा भी आता है तो घुड़का जरूर यूज कीजिएगा। कैसे, धाती ताती ताधी धाती, ठीक है। बता देता हूँ कैसे बजाए, धाती, ये देखिए धाती, ये बहुत जरूरी है बताना, ये अगर नहीं समझोगे तो गलत हो जाता है। लोग क्या कर देते हैं, धा ती ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसमें घुड़का जो पड़ रहा है ये पड़ रहा है, उसके साथ भी ती भी पड़ रहा है, धाती ताती, फिर उसके बाद ता धी धा ती। घिस्सा लेने, जितना भी उल्टा सीधा जैसा भी घिस्सा आता हो कोशिश कीजिएगा, बजाते बजाते ही आएगा। नहीं आता तो अब क्या होगा कि नहीं बजाओगे तो कभी नहीं आएगा,
कोशिश करोगे तभी आएगा, है ना, ना बजे तब भी दिखाने के लिए करना है, दिखाते दिखाते आ जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बजेगा, धाती, घुड़का ऐसे लगता है। माना अगर घुड़का बजाना नहीं आता, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे लिंक मिल जाएगा घुड़का बजाना सीखे, तो घुड़के के ऊपर मैंने बहुत एक दो तीन वीडियो बनाई हुई है, देखोगे तो घुड़के के बारे में समझ जाओगे घुड़का कैसे बजाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पैटर्न कैसे समझ तो गए होंगे, फिर एक बार देख लीजिए, धा ती ता ती, फिर उसके बाद ता धी धा ती, बस इतना ही है। अब इसी पैटर्न को खुले हाथ से सीख लीजिए, ठीक है, इतना बजा लोगे। अब देखो पैटर्न को मैंने बजा बजा के भी सुनाया, अब हो सकता है कि बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, और जो मैंने यहाँ पे बजा के दिखाया वो चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ होना है। ठीक है, अगर थोड़ा नहीं समझ में आता तो वीडियो को देखिएगा कि मैं कैसे कैसे हाथ चला रहा था, वो थोड़ा स्टाइल भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने चाटी की तरफ हाथ दिखा दिखा के मैंने समझाया था। ठीक है, अब खुले हाथ से सीखिए कैसे बजेगा धाती, इसमें भी घुड़का लगता है, घुड़का लगाना पड़ेगा, है ना, नहीं आता तो बिना घुड़के के बजाइए, धाती ताती ता धी धाती ताती ताती ताती, लेकिन सिंपल लगता है, लेकिन घुड़का और थोड़ा का लगाओगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। कैसे, धाती ताती ताती धाती धाती ताती ताती धाती धाती ताती, ती पे का लग रहा है, और पीछे वाले पैटर्न जो मैंने समझाया उसके अंदर मैंने का नहीं समझाया, उस पे भी ती पे ही का लगेगा। कैसे, धाती ताती, है ना, का वहां पे लगेगा, थोड़ा छूट गया मेरे से, यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिएगा, है ना, तो थोड़ा पैटर्न को गहराई से समझोगे तभी ये का ये सारी चीजें समझ में आएगी, है ना, तो समझ गए आप। फिर से देखिए धाती ताती, खुले हाथ से समझिए, धाती, घुड़का ले लेंगे हमारा, ले जाके रख दिया ये वाला पोजीशन, ठीक है, धाती ताती, समझ गए, फिर उसके बाद ताधी धाती, बस इतना ही सा पैटर्न है, बस इसको प्रैक्टिस करते रहो बच जाएगा। ठीक है, अब तो मेन चीज पैटर्न आप समझ गए, धाती ताती ताती धाती, इसको भांगड़ा पैटर्न कह लीजिए, कहरवा ताल कह लीजिए, लेकिन ये भांगड़ा पैटर्न के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ओ ढोल जगीरोदा, इस टाइप के गानों पे बजता है, थोड़ा मैंने कोशिश किया गाने का। तो अब देखिए उस टुकड़े को समझते, टुकड़ा कैसे बजाया था, देखिए कहीं कोई सा भी पैटर्न जोड़ सकते हो, जितने भी ता है इसके अंदर उसके साथ क का यूज हुआ है, ताता तीता तीता ता, बोल लिखे हुए मिल गए होंगे, ताता तीता तीता ता, बहुत ध्यान से बोल को समझना तभी बजा पाओगे। देखिए कैसे बजा, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ताता तीता तीता ता, ऐसे ही समझ गए होंगे जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे, ऐसे ही समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो थोड़े से शुरुआती हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ, क्योंकि उनको भी साथ लेके चलना है, जो लोग अच्छे लोग हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन क्या है कि जो लोग जो पीछे छूटे हुए हैं उनको भी हमको साथ लेके चलना है। देखिए कैसे बजेगा, ताता ती ता ती ताता, ठीक है, देखिए ताता ती ता ती ताता, ठीक है, ताता ती ता ती ताता, समझ गए होंगे, थोड़ा स्लो करके देखोगे, बोल के हिसाब से भी करोगे, स्लो स्लो करोगे ना, वीडियो को ऑप्शन आता हो देख लीजिए कैसे स्लो होता है, तो समझ जाओगे। कुत्ता भौंक रहा है, कोई नहीं, तो आप लोग समझ गए, दो चीज में लेके आया था, बड़ा यूनिक चीज था, इस चीज को यूज कीजिए, आप प्रोग्राम में आप में इंप्रूवमेंट ही होगा। दोस्तों देखिए ये वीडियोस के थ्रू 10-10 मिनट की 12-12 मिनट की वीडियोस के थ्रू मैं बस इतना ही दे सकता हूं मैं, बाकी अगर किसी को और भी जल्दी सीखना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको 5 से 6 महीने के अंदर मैं आपको ये सारा चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ। और दोस्तों ये ध्यान रखिए कि और जितने भी यूट्यूब चैनल है उनसे बहुत कम फीस मैं लेता हूँ, दूसरे जगहों से फीस भी बहुत कम देनी पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा मिलेगा आपको मेरे से सीखने के लिए। ठीक है जी, तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर दोस्तों कुछ समझ में आया हो और 2 मिनट भी आपने इंजॉय किया हो मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसी थी।